हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे जनरल स्टॉक कोड पे। और आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में। तो चलिए पहले सबसे पहले आज का वॉल्यूम देखते हैं। तो साउथ इंडियन बैंक में आज का वॉल्यूम 138 मिलियन था। तो किसी भी स्टॉक में अगर अपर सर्किट लगती है और इतना वॉल्यूम आता है तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले एक अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले एक गोल्डन रूल आपको याद रखना पड़ेगा। गोल्डन रूल ये है कि अगर कभी किसी भी पेनी स्टॉक में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग रही है और उसमें अचानक से हाई वॉल्यूम आ जाता है, उस दिन स्टॉक की जिस दिशा होगी, जिस भी ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा होगा, उस ट्रेंड में अगले दिन सर्किट बनेगी। उसका मतलब मान लीजिए कि आज हाई वॉल्यूम आया और स्टॉक अगर हाई लगाता है, अपर सर्किट आज भी फिर भी हाई अपर सर्किट लगा देता है, तो उसका मतलब यह है कि अगले दिन वो अपर सर्किट ही लगाएगा। और क्या होता है कि जिस भी दिन हाई वॉल्यूम आता है और लोअर सर्किट लगाता है उसके बाद, तो ये पेनी स्टॉक का एक गोल्डन रूल है। तो यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग है, पर मैं कहता हूँ कि अलग नहीं है, पर उसके जैसा ही आता है। पर देखिए यहाँ पर स्टॉक पूरे के पूरा हाई नहीं, इसका मतलब यहाँ पर अपर सर्किट नहीं लगा रहा है। यहाँ पर अपर सर्किट से स्टॉक रिट्रेसमेंट करना चालू हुआ है। हालांकि यहाँ पर 9.10 के और 9.10 और 9 के बीच में स्टॉक ने काफ़ी सस्टेन किया हुआ था और उसके बाद यहाँ पर फाइनली वो 9.10 पर क्लोज हुआ है। तो सबसे पहले हमको कल की प्रेडिक्शन करनी है कि कल इसमें क्या हो सकता है, इतना वॉल्यूम बढ़ा क्यों। तो किसी बड़े प्लेयर ने, मान लीजिए किसी के पास, यहाँ पर कह सकते हैं किसी बड़े प्लेयर ने बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर क्वांटिटी सेल करने को रखी, उससे अचानक से ही जो भी बाइंग ऑर्डर थे वो सारे एग्जीक्यूट हो गए। तो उसकी वजह से अब जिसने भी यहाँ पर नीचे की प्राइस पर, मान लीजिए कि बाई किया था 7 रुपये या 6 रुपये की प्राइस पर बाई किया था, वो क्या सोचेंगे कि अब अगर ये मार्केट में अगर कुछ हो जाता है इसके बाद और यहाँ पर वो ऑलरेडी 30% की हाई लगा चुके हैं, तो यहाँ से वो प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे कल से। यानी कि अब जिसने भी यहाँ पर शेयर, यहाँ पर करंट प्राइस के आसपास जिसने भी बाई किया है, वो क्या सोचेंगे। अगर उसके मन में अगर ये घबराहट होगी कि अगर कल इसमें लोअर सर्किट लगता है तो उसको 10% का नुकसान जा सकता है या अपनी टोटल प्राइस पे आ सकता है। और उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 3-4 लगातार अपर सर्किट लग गए हैं, तो अगर चांसेस हो सकते हैं, अगर एक लोअर सर्किट लगा था उसके बाद कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लग सकते हैं, तो यहाँ पर अगर लोअर सर्किट लगता है तो वो कल डर के मारे, कैसे ऐसे भी निवेशक हो गए जो डर के मारे कल स्टॉक बेचेंगे। जिसको चाहिए था उसको तो आज मिल गया है स्टॉक, मान लीजिए समझिए, जिसको भी चाहिए था वो आज स्टॉक मिल गया, और जिसको चाहिए था वो ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर स्टॉक मिला है और स्टॉक की प्राइस भी यहाँ पर आज सस्टेन कर रही है। तो अगर स्टॉक कल लोअर सर्किट लगाने के चांसेस मेरे ख्याल से ज़्यादा है, क्योंकि अगर आज किसी ने बड़ा सा ट्रेड डाला है, अब डिपेंड करता है कि कल मार्केट ओपन होने के बाद कौन कौन से बायर एक्टिव होते हैं, अगर मार्केट होने के बाद कोई बड़ा प्लेयर आता है या नहीं। समझिए, सबसे पहले समझिए, अगर कल मार्केट ओपन होता है और सबसे पहले ही बाइंग ऑर्डर लगने ज़्यादा स्टार्ट होते हैं, तो रिटेल निवेशकों के मन में भी जिसको भी यहाँ पर इस प्राइस पर चाहिए था वो तो बाय करेंगे ही, जिसको अगली प्राइस पर चाहिए था वो भी बाय करेंगे, और जिस जिसने यहाँ पर भी खरीदा हुआ है 7 रुपये, 8 रुपये और 9 रुपये के पास, वो अपना स्टेक बेचेंगे नहीं, क्योंकि उसको तो अपर सर्किट मिल रहा है। तो ये बात हो गई पॉजिटिव साइड। अब चलिए देखते हैं कि अगर कल कोई भी बड़ा प्लेयर यहाँ पर आता है और थोड़ी सी भी क्वांटिटी, अगर मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ी सी भी क्वांटिटी डालता है, जिस जिसने भी यहाँ पर बाइंग किया था वो डर के मारे अपनी क्वांटिटी बेचना स्टार्ट कर देंगे मार्केट ओपन होने के बाद ही, और जिस जिसने भी यहाँ पर नीचे की प्राइस पर बाई किया था वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो डिपेंड करता है कि कल स्टार्टिंग में क्या होगा, 1 या 2 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें अपर सर्किट लगेगा या लोअर सर्किट लगेगा। अगर आपने नीचे की प्राइस पर बाइंग किया है, अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाई की हुई है, तो यहाँ पर आप उसको डंप कर सकते हो और थोड़ा सा पार्सल बुकिंग कर सकते हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाई नहीं की ही और अभी आपके पास थोड़ा सा कैपिटल बचा है बाइंग करने का, तो आप अगर कल लोअर सर्किट लगता है तो लगने दीजिए। 1 या 2 लोअर सर्किट लगने के बाद आप अपनी प्राइस को एवरेज कर सकते हैं,
अब बचे मान लीजिए कि कल मैंने यहाँ पर अगर अगर मान लीजिए कि आपने 9 रुपए के और 8 रुपए के आसपास ही बाय किया और कल अगर लोअर सर्किट लगता है तो आपको नुकसान हो रहा है या आप अपनी बाइंग प्राइस पे आ जाते हो। तो ऐसे में क्या अगर आपके पास कैपिटल है तो तब भी आप रुक सकते हो, नीचे के प्राइस पर बाइंग करके उसको एवरेज कर सकते हो। अगर आपको डर है तो आप मार्केट ओपन होने के बाद या अगर आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हो, तो एएमओ ऑर्डर कहते हैं उसको। तो आप अपने अभी अपने स्टॉक ब्रोकर को अभी आपके ब्रोकर को आप कॉल करके यहाँ पर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो। पर मेरे ख्याल से अगर कल लोअर सर्किट लगता है तो वो भी एग्जीक्यूट होना बहुत मुश्किल है। पर जिस जिसने 7 रुपीज़ के आसपास बाइंग की है उसको निकलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि साउथ इंडियन बैंक में बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है, उसकी वजह से यहाँ पर लगातार अपर सर्किट लग रही है। पर अपर सर्किट का मान लीजिए कि यहाँ पर गैप देखिए यहाँ पर 10% का था, तो यहाँ पर 3 या 4 अपर सर्किट लगती है तो भी यहाँ पर 30 या 40% का स्टॉक अप जा चुका है। तो इसकी वजह से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और जिसको भी अपना टारगेट मिल जाता है तो वो बुकिंग होती रहती है। 2 या 3 लोअर सर्किट में ही स्टॉक वापिस अपने बाइंग पोजीशन पर आ जाएगा। तो ऐसी भी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो न्यूज़ है वो काफ़ी बड़ी पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन ये है कि कल इसको बाई करना है या सेल करना है, बड़ा प्रॉब्लम बड़ा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको रिसर्च करना है, अपनी तरफ से फाइंड करना है, आपको खुद की एनालिसिस करनी है और फाइंड करना है कि अगर इन्हें ये स्टॉक या 9 रुपये या 10 रुपये में भी बाय करता हूँ तो मुझको ये प्रॉफिटेबल है या मेरे तरफ से ठीक है या नहीं। तो आपको खुद की तरफ से फाइंड करना है कि ये स्टॉक आपको कितने में चाहिए। अगर आपको ये पता लगा सकते हो और या यहाँ पर कल लोअर सर्किट लग रही है तो यह ठीक बात है। अगर आपके हिसाब से मान लीजिए कि इस स्टॉक की प्राइस अभी इस न्यूज़ को कंसिडर करके आपको देखना है कि अगर इसकी प्राइस 15 रुपये या 20 रुपीज़ होनी चाहिए तो आप यहाँ पर कल डेफिनेटली बाय कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट ये, यहाँ पर आपको न्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है कि जिस भी न्यूज़ की वजह से ये स्टॉक इतना अप जा रहा है वो न्यूज़ कितनी बड़ी है और क्या क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है इस न्यूज़ का कंपनी के फ्यूचर पर। अभी नहीं देखना, इस कोरोना के क्राइसिस पर भी नहीं देखना, आपको 2 या 3 क्वार्टर के बाद देखना है कि इस पर क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें आए हो तो आपको डेफिनेटली निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसका पॉसिबल है यहाँ पर 2 या 3 लोअर सर्किट लगे तो यहाँ पर 30% स्टॉक गिर जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू पता करनी होगी। तो ये डिपेंड करता है न्यूज़ पे और डिपेंड करता है कल कितने बड़े प्लेयर एक्टिव होते हैं। अगर मार्केट के स्टार्टिंग में ही बड़े प्लेयर एक्टिव हुए और उसको यहाँ पर कल डिसाइड कर देगा, एक भी बड़ा प्लेयर आया वही डिसाइड कर देगा कि इसमें अपर सर्किट लगेगी या लोअर सर्किट लगेगी। अगर बड़ा प्लेयर आया और उसने स्टॉक को सेल किया तो डर के मारे सारे रिटेल निवेशक और जो भी पार्सल बुकिंग वाले थे सब भी, जो भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए आए थे सब भी स्टॉक अपना बेचेंगे, तो यहाँ पर लोअर सर्किट लग जाएगी। आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हो तो आप उसको देखना ही छोड़ दीजिए। अगर अपर सर्किट लगता है तो लगने दो, लोअर सर्किट लगता है तो लगने दो। मैंने 7 रुपये की प्राइस पर बाय किया है तो उसको मतलब मैं 1 साल तक नहीं बेचूंगा, भले ही वो स्टॉक 5 रुपये चला जाए, भले ही वो स्टॉक 100 रुपये चला जाए। तो ये मान के ही चलना है आपको, सर्किट के बारे में न्यूज़ के बारे में नहीं देखना, आपको सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना है और उसके बेस पर ही आगे बढ़ना है। आपको बड़े प्लेयर की भी चिंता नहीं करनी है। मान लीजिए कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए डाला है, शॉर्ट टर्म के लिए डाला है तो वो आपका तो आपको न्यूज़ और बड़े प्लेयर सबका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब बड़े प्लेयर्स ये सब तो खेल होता, यही तो मार्केट का खेल है बड़े प्लेयर के द्वारा जो खेला जाता है। तो अगर आपने वो हमारा वीडियो, तो आशा करता हूँ कि ये कुछ पॉइंट जो साउथ इंडियन बैंक के बारे में थे वो मैंने बताने की ट्राई की है। तो अगर ये पॉइंट आपको अच्छे लगे और हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको एक बार लाइक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने से बहुत सारी हेल्प हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले स्टॉक में और अगले वीडियो में। थैंक यू।